हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज है 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त तक मेरा ये वीडियो कल जाएगा आप लोगों के पास में 15 अगस्त को। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और कुछ ना कुछ देखिए 15 अगस्त वाले दिन स्पेशल तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है इस दिन। वैसे तो पहले हम बहुत छोटे थे, उस टाइम पर स्कूल जाते थे, स्कूल में झंडा फहराते थे, प्लस पूरे गांव में, जो गांव का स्कूल था हमारा, वहां पे पूरे मतलब लाइन लगा करके बच्चों की पूरे गांव में निकालते थे झांकी, झंडा की और जयकारे लगाते थे। आजकल तो वो नहीं रहा, लेकिन आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुले हैं, नहीं तो अब स्कूलों में वगैरह में झंडा तो खैर फहराते ही हैं, लेकिन अब गाँव में भी वो वाली बात नहीं रही है कि पूरे गाँव से ही निकाला जाएगा। पहले पूरे गांव में हम जितने भी स्कूल में बच्चे थे पूरे गांव में ऐसे झांकी निकालते थे, ऐसे सब कुछ होता था। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और आज बहुत सा कुछ लेके आई हूँ, और आज सच में घासी मुझे इस बात पे आ गई कि कुछ बात थी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। मैं सोच रही थी बाद में करूँ, लेकिन उस बात पर मुझे हंसी आ गई, सोचा चलिए पहले ही कर लेती हूँ। आप सोचोगे कि दीदी कोई भी बात होगी उसे वीडियो के एंड में बताती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही बता देती हूँ। दो तीन दिन हो गए मुझे एक कमेंट आया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खराब करा था, मेरी नज़र उधर चली गई थी, वहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ ये दिखा। एक्चुअली आज ना क्या हो गया है, पिंकू के ना रात दांत में चोट लग गई थी यहाँ पे अंदर, और उसके दिखाऊंगी मैं आपको, उसके ना थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जैसे सुबह में उठाए तो दोनों होंठ ना इतने मोटे मोटे हो गए, पता नहीं जब से वो अजीब सा घूमता वही आ गया, मन की एकदम देख करके ना थोड़ा सा अलग सा लगता है। और हाँ, मैं बात जो करने वाली थी वही कहते ना, ट्रैक भी एकदम चेंज हो जाता है मेरा भी। तो उन्होंने मुझे ये पूछा था, जो मैं ज़्यादातर येलो वाला सूट पहनती हूँ ना, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो उन्होंने यही बोला है कि आपके पास के ये एक ही सूट है मतलब, और दूसरा कोई सूट नहीं है, जो आप हमेशा इसी सूट में नज़र आती हो। तो ऐसी बात नहीं, कपड़े तो और भी, एक्चुअली मेरी आदत क्या है, जो कबड़ में जैसे ऊपर होगा ना नहाने जाऊँगी, उससे पहले जो भी हाथ पड़ा चले गए नहा के आ गई। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से सूट की काफ़ी शॉर्टेज हो चुकी है। अब मैंने कपड़े जो सिलवाए भी हैं, कुछ टेलर ने गड़बड़ करे हैं, कुछ मैंने सुधारे हैं इस वजह से। और ये वाला जो मौसम है ना, इस वाले मौसम में गर्मी में ऐसा लगता है जो पुराने जिसमें हमें कंफर्टेबल फील हो वो वाले हम कपड़े पहन लेते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, इस वजह से मैं उसको पहन लेती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने जैसा सोचा मुझे कमेंट करके बोल दिया कि आपके पास एक ही सूट है जो हमेशा ये येलो वाले ही सूट में नज़र आती है, दूसरा भी कभी सूट पहन लिया करो। तो ऐसी बात नहीं है, दूसरा भी पहन लूँगा। आप बोलोगे, देखिए कहते हैं ना बहुत लोग नाइटी वगैरह भी घर में लेडीज पहनती हैं, तो नाइटी भी कोई 10-15 नहीं रखते, 2-1-3 रखेंगे, लेकिन मैं नाइटी नहीं पहनती, आपने मुझे कभी वीडियो में नहीं देखा होगा। वैसे ही मैं नॉर्मली, वैसा नहीं कि वीडियो में नॉर्मली मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि शुरू से ही नहीं पहनी है, मुझे थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा गर्मी सी लगती है, उतना कम्फर्टेबल नहीं होता है फील। लेकिन हाँ, ये है कि कपड़े वही पहनने चाहिए जिसमें हमें कम्फर्टेबल फील हो, ऐसा नहीं है कि भाई हमने दिखावे के लिए तो हम पहन लेते हैं लेकिन अंदर से हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा है, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, मैंने 3-4 दिन से आप नोटिस करोगे मैंने वो वाला सूट बिल्कुल भी नहीं पहना है, मैंने कि ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पहन लिया। ठीक है, चलिए वीडियो मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। बेटा दिखाऊँ तो सबको कैसे हो गए बाबू के, मेरे के होंठ ये दिखा दे। अच्छा सब बता देंगे कि किस वजह से हो गए, पिंकू कैसे होंठ, दवा कैसे लगा के ठीक कर दे हम पिंकू के होंठ, दिखाना देखो सब कैसे हो गए पिंकू के होठ, सो के उठाए पता नहीं क्या हो गया है, पिंकू के होठ इतने मोटे मोटे से हो गए ये देखो, है ना, और पिंकू इसीलिए छुपा रहा था। अच्छे से दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं गंदी बात। यहाँ पे हो रही है आज खिड़की की सफाई, क्योंकि ये चिकनाई किचन की खिड़की है, जल्दी से आई जाती है, इस पर वैसे कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ इसमें गर्म पानी में विनेगर और जो विम लिक्विड होता है थोड़ा सा उसको डाल करके, क्योंकि कोई भी चिकनाई वाली चीज़ होती है अगर हम सिंपल करते हैं तो वो नहीं साफ़ होती है, और जाली वगैरह ज़्यादातर किचन में चौक हो ही जाती हैं सभी की अगर इस तरीके से हम करते हैं, या फिर थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिए उसमें, बिल्कुल जाली एकदम से साफ़ हो जाती है और बहुत ईजी तरीके से सारी चिकनाई हट जाती है। तो यहाँ पर मेरी भी जाली है ना मतलब ये चौक सी हो रही थी, तो मैंने फिर इस तरीके से साफ़ कर दिया और एकदम से बिल्कुल साफ़ हो गई हैं ये। Oh, oh, oh.
पे देख सकते हो सारे खिलौने वगैरह दिन में 10 बार इनके सेट होते हैं, इधर से उधर फैला के रखते हैं। ये सारा सामान यहाँ पे मैं लगाती हूँ, लेकिन सारे ने एकदम से वहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी और सबको वहीं सुला करके ऐसे करेंगे पूरा, चाहे सोफे की जगह पे हो चाहे कमरे में कहीं पे, दोनों भाई सारे खिलौने ले जाके एक जगह ही इकट्ठा कर देते हैं। तो बस इनको भी सबको समेट के उनकी जगह पे रखूंगी, क्योंकि घर को कई बार सेट करना पड़ता है तब जाकर के थोड़ा सा रहता, नहीं तो दोनों भाई सारा घर अस्त व्यस्त सारे दिन रखते हैं। और तबीयत की पूछ रहे थे सब लोग, तो तबीयत तो मेरी ऐसे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब और ठीक भी है क्या बताऊँ आप लोगों को, एक तलवार से सिर पर लटकी रहती है और कुछ बातें ऐसी भी है जो छुपाई हैं सच में। और इन सब वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि आप सबको ज़्यादातर पता ही है खैर कि रसोली है, मुझे ऑपरेशन कराना है, लेकिन अब डॉक्टर से मंडे को मिलूंगी, मंडे के बाद में जो भी 1 तारीख की मुझे डेट मिलेगी सितंबर की, मैं तभी ऑपरेशन अपना करा लूंगी। सब देखो पिंकू कैसे उल्टे काम करता है, यहाँ से चेयर पर चढ़ेगा और उसके बाद यहाँ देखो ऐसे उतरेगा, ये देखो ऐसे करके आजकल पिंकू अपने आप से पानी लेने लगा है। पिंकू पिंकू की पट्टी करूंगी मैं, तोरी तो मुझे लगा शिमला वीडियो में बन गई, शिमला मिर्ची और देख लो टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन आलू प्याज की ना कही, तो दोनों जने प्याज ना लेकर के आए, प्याज तो करेला बनाएगी या कुछ, तो 2 दिन के पीछे फिर वही है। चल किसी टाइम में जाऊंगी, साग सब्जी जो भी है सारी मैं ही लेके आऊंगी, टमाटर देख एक हरा भी लेके आई है, ये सो ले आई होगी ना रात में, दिखे ना होंगे। क्या हो रहा है पिंकू का, ये पिंकू हेलीकॉप्टर चल रहा है बाबू का, मेरे लड्डू का हेलीकॉप्टर चल रहा है ये, यहाँ पे घेवर आया है घर पे, तो आप सब लोग भी खा लीजिए घेवर, क्योंकि सावन के महीने में तो घेवर कई बार घरों में आ ही जाता है सभी के में, तो हमारे घर भी आया है, तो आप सबके लिए भी है और हम सबके लिए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ले लीजिए। और यहाँ पे बन रहा है खाना, तो यहाँ गीता बना रही है, 2 कढ़ाई आप लोग देख रहे होंगे चढ़ा के, दोनों में तेल, एक में प्याज भुन रही है एक में तेल है, तो एक तरफ बनेंगे करेले और दूसरी तरफ बनेंगे आलू बैंगन की सब्जी। तो करेले तो ऐसे हैं कि चलो बना के रख लो, 1-2 दिन अपना आराम से खाते रहो, लेकिन सब्जी भी चाहिए, तो बस उधर सब्जी वगैरह भी बनानी है, तो बस यही फटाफट से काम हो रहा है। और कुछ बर्तन जो इसमें धुले हुए रखे थे टोकरी में उनको स्टैंड पे लगा रही है, तो वही मैं आपको बता रही थी कि इन सब की वजह से ना ऑपरेशन की वजह से मेरे सिर पर तलवार जैसे लटकी हुई है कि फटाफट करा लूँ, तो मैं वही सोच रही हूँ कि 1 सितंबर के बाद जो भी मुझे डेट मिल जाएगी तो मैं ऑपरेशन करा लूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी ही बताया है कि 2-4 दिन जब ऑपरेशन होगा तो मेरी वीडियो हो सकता है मिसिंग रहेंगी, मुझे पता है आप लोग मुझे भी मिस करोगे, मैं आप लोगों को करूँगी, उसके बाद मैं रहूँगी रेस्ट पे, बाकी का फिर गीता और ईशु शूट करके दिखाएंगे। अभी तो देखो देखते हैं क्या होता है आगे, पहले तो डॉक्टर से मिलूंगी उसके बाद ही सारा डिसीजन, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर क्या बोलेगा वो मायने रखता है। तो बस मंडे को अब डॉक्टर से मिलने वाली हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या मुझे बोला है। और बातों में ही यहाँ करेले भी बन गए हैं, उधर गीता छोंक देगी यहाँ पे आलू और बैंगन की सब्जी, तो मैंने डिटेल में तो नहीं दिखाया है क्योंकि बैंगन और ये सब तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा सीन दिखा दिया मैंने कि सुबह में या किसी भी टाइम हम लोग किस तरीके से अपना काम कर लेते हैं। करूंगी थोड़ी देर बातें आप लोगों से, एक्चुअली मुझे कल भी कमेंट आ रहा था कि दीदी भाई आए हुआ है तो थोड़ा सा भाई से भी मिलवा दिया करो, एक्चुअली कोशिश मैं बहुत करती हूँ, लेकिन उसको क्या है आप लोगों को ज़्यादातर पता ही है कि सब लोग कैमरे के सामने उतने मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो पाते हैं। पहले इसको सेट करती हूँ,
हो पाते हैं, इस वजह से मैंने उसको हंस रही थी मैं कि देख सब लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं भाई नहीं आता, तो वही बोला आप ना सबको मेरी तरफ से बोल दो कि भाई मेरा थोड़ा शर्मीला है। वो ऐसे तो आ जाता है जैसे कुछ कहीं गया है, हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि बैठ के बातें करनी है या इस तरीके से तो वो नहीं आता। पिछली बार गाँव गए थे तो गाँव में जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं कहीं गए मैं और वो दोनों हम वीडियो बना रहे हैं तो आ जाता था वीडियो में, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं उसको कल बोली भी थी, मैंने कि तू थोड़ा सा ये भी तो कर, मतलब कि बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा है गीता भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन हाँ मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम पे भी अगर वीडियो बना रही हूँ तो वो लोग भी वीडियो में आ जाए और आप लोग उनको भी देख पाओ और मिल पाओ उन लोगों से भी। लेकिन वही हो जाता है ना कि थोड़ा सा झिझक सी रहती है भाई कैमरे के सामने कुछ भी बोलना है या सामने आना है, ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। लेकिन अगली बार कोशिश जरूर करूंगी मैं कि हाँ उसको भी लेकर के आऊँ। वैसे तो मैंने जैसे मार्केट गए थे ईशू के साथ मार्केट गया तब भी उसको दिखा दिया है, तब भी मिलवा दिया है, लेकिन घर में भी जैसे कुछ भी शूट करते हैं कहीं पे भी रहता है। हाँ वैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करके ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाऊंगी ना, अगर वो सोफे पे बैठा है तो वहाँ से खिसक लेगा कि आप वीडियो बना रही है। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि कोई बात नहीं वीडियो बना रही है तो तू बोले मत, कम से कम बैठा हुआ वहाँ पे। आपने देखा होगा कि उस दिन खाना भी मंगाया था ऑर्डर करके, मैंने प्लेट का और टेबल का ही मतलब ऐसे ही खाने का सूट कर लिया, लेकिन जब बैठा था तो उठ के चला गया, कह रहा नहीं मुझे थोड़ा सा ऐसे अभी कंफर्टेबल सा फील नहीं हो पाता है। मैंने कि चल कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करती, खुशी से जो आता है ठीक है, उसको वैसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखिएगा।